नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को हजार्डस मटेरियल कैटेगरी के तहत एड करवा सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिसके तहत आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को हजार्डस मटेरियल कैटेगरी के तहत एड करवा सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। आपके सामने परिवहन सेवा का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद में आपको ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस के ऑप्शन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। स्टेट को सेलेक्ट करने बाद में आपके सामने उसी स्टेट का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का जो ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है, सर्विस ओन डीएल, सिंपली आपको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आने वाला है। स्क्रॉल डाउन करना है, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो एंटर करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। डेट ऑफ बर्थ देखने को आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, तो डीएल नंबर और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। डीएल नंबर आपको किस तरह से एंटर करना है वो नीचे आपको एग्जांपल के तौर पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आपका जो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। गेट डीएल डिटेल के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर गेट डीएल डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर आपकी जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप ऊपर जो डिटेल देख रहे हैं वो आपकी है, तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में जो कैटेगरी है उसके अंदर आप यहाँ पर जो भी कैटेगरी, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पर जनरल ही उसको सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद में आपको नीचे पिन कोड का एक ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपका जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में आपका जो आरटीओ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे ही आप अपना पिन कोड और आरटीओ सेलेक्ट कर देते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आने वाला है। यहाँ पर आने के बाद में आपको आपके ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर जो भी डिटेल आप अपडेट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर आप जैसे ही यहाँ पर एंटर कर देते हैं उसके बाद में आपके पास अगर ई मेल आई डी है तो आप यहाँ पर ई मेल आई डी एंटर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप ई मेल आई डी यहाँ पर एंटर नहीं करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं, परंतु यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना मैंडेटरी है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आना है। ब्लड ग्रुप एंटर करने का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जहाँ पर आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पे आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने नीचे एड्रेस का एक ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो एड्रेस को आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस सही है तो आप इसको एज इट रहने देंगे। उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपसे एक ऑप्शन पूछा जाता है कि आप अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके अंदर सेम एड्रेस चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है और कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना है। अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो दूसरे एड्रेस भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। कन्फर्म के बटन पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आने वाला है, जहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, एंडोर्समेंट टू ड्राइव हजार्डस मटेरियल। सिंपली आपको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको हजार्डस मटेरियल व्हीकल की ट्रेनिंग लेनी रहती है। ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। तो जैसे ही आप अपने हजार्डस मटेरियल की ट्रेनिंग का नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देते हैं उसके बाद में आपको कौन सी डेट को ये सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसकी डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी रहेगी। उसके बाद में आपको कब से लेके कब तक वैलिड है उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसी के साथ में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपसे पूछा जाता है कि ये जो सर्टिफिकेट है आपको इश्यू किसके द्वारा किया गया है, कौन से स्कूल के द्वारा किया गया है। सेलेक्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो नाम है आपके जो आरटीओ है उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाते हैं, उनमें से जिस भी सेंटर से आपको सर्टिफिकेट मिला है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो सेंटर है उसका जो पैलेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, पैलेस ऑफ इश्यू के स्थान पर। अगर आपका जो सेंटर है ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी और जगह से है तो आपको यहाँ पर शो ऑल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इंडिया के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट है उन सभी की लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो आप यहां पर ऑल इंडिया के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट है जो कि हजार्डस मटेरियल की ट्रेनिंग देता है उसका नाम आप यहां पर सर्च कर सकते हैं, उसको भी आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर आपकी जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन कौन सी भाषाएं आती है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, जो भी भाषा आपको आती है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको अंग्रेजी है वो पढ़नी और लिखनी दोनों आती है, तो आपको यहाँ पे यस या नो को सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है।
यहाँ पर जहाँ पर भी रेड डॉट दिए गए हैं वो यहाँ पर मैंडेटरी है, उनको आपको यहाँ पे कम्प्लीटली फिलअप करना जरूरी है। तो येस और नो के अंदर आप जैसे ही यहाँ पर आंसर कर देते हैं, पूरी डिटेल आप यहाँ पर एंटर कर देते हैं, कंफर्म के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आने वाला है, जहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वन है उसको आपको यहाँ पर कम्प्लीट करना रहेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ एक आपके फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आंसर आपको येस और नो के अंदर देना है। आई एग्री के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, सबमिट कर देना है। तो आपका यहाँ पे फॉर्म वन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। ओके के बटन पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप वापस से उसी पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको बैक के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर बैक के बटन पे क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। यहाँ पर जितने भी टिक मार्क दिए गए हैं उन सभी पे आपको टिक करना है। उसके बाद में आपको नीचे एक्सीडेंट डेथ के ऑप्शन पे आपको यहाँ पर येस और नो को सेलेक्ट करना है। कैप्चा कोड अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो रिफ्रेश करके आप यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे टिक मार्क कर देते हैं, कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर कर देते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक पॉपअप आता है जिसके अंदर आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। ओके के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने नेक्स्ट पॉपअप कुछ इस तरह से आने वाला है, जहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आपको बताया जाता है कि आपको जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। तो आपके सामने यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है इसको आपको यहाँ पर या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इसका प्रिंट है वो आपको यहाँ पर निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिस पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर आपकी जो आरटीओ की डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाती है। आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। हजार्डस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पर अपने जो एप्लीकेशन नंबर है उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिल जाता है। सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आता है जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा, फी पेमेंट करनी रहेगी और स्लॉट बुक करना रहेगा अपॉइंटमेंट के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना रहेगा। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही ओके के बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ओके के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। ड्राइविंग लाइसेंस है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट है सबसे पहले आप अपलोड करेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा, जैसे कि डीएल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर। इशू किसके द्वारा किया गया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कब इशू किया गया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसका जो स्टेटस है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, डेट आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिस भी फाइल और फोल्डर के अंदर आपने जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके रखा है उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ब्राउज के ऑप्शन पे करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। उसके बाद में आप उसको देख भी सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होता है उसके बाद में आपको यहाँ पर व्यू और उसके बाद में कंफर्म और एक क्लोज का बटन दिखाई देता है। अगर आप डॉक्यूमेंट को चेक करना चाहते हैं तो व्यू के बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली इसको कन्फर्म करना चाहते हैं तो कन्फर्म के बटन पर क्लिक करके कन्फर्म भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो जेपीजी, जेपीजे, पीडीएफ के अंदर आपको अपलोड करने रहेंगे, जिसका साइज़ है वो 500 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं उसके बाद आपके सामने ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुली का एक मैसेज दिखाई दे जाता है। उसके बाद में आपको नीचे नेक्स्ट बटन है वो दिखाई देगा, सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं नेक्स्ट बटन आपके सामने आ जाता है, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका सेकेंड स्टेज है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आपको फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है, प्रोसीड योर बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड योर बटन पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आता है, जहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना रहेगा। ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, सिग्नेचर को और फोटो को जहाँ पर भी आपने स्कैन करके रखा है उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। सेम आपकी जो फोटो है जेपीजी, पीडीएफ और पीएनजी फॉर्मेट के अंदर आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं, जिसका भी साइज़ है वो यहां पर 20 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। अपलोड फाइल एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल है वो आपको यहां पर ऊपर देखने को मिल जाती है। उसके बाद में आपको यहां पर सेव फोटो और सिग्नेचर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपकी फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है उसके बाद में आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो थर्ड स्टेज है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आपको पेमेंट करनी रहेगी, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि हजारडस मटेरियल की जो कैटेगरी है उसके लिए आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ की जो फीस है वो करनी रहेगी।
इसके अलावा आपको यहाँ पे 200 रुपये की फ़ीस है वो इसका जो फॉर्म 7 है उसके लिए आपको करनी रहेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर बैंक के ऑप्शन पर आना है, बैंक के अंदर SBI गेटवे के ऑप्शन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कैप्चा कोड दिया गया है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। टोटल आपको 300 रुपये की जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पे करनी रहेगी। तो जैसे ही आप ये गेटवे को सिलेक्ट कर लेते हैं कैप्चा कोड एंटर कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आता है जहाँ पर आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर बैंकिंग के ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है, जैसे कि SBI नेट बैंकिंग, उधर बैंक नेट बैंकिंग, SBI का जो डेबिट कार्ड है उससे पेमेंट कर सकते हैं, उधर बैंक के डेबिट कार्ड से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जो भी पेमेंट मोड आप सेलेक्ट करते हैं उसके थ्रू आपको यहाँ पर 300 रुपये की जो पेमेंट है वो कंप्लीट करने रहेगी। पेमेंट मोड को सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। कंफर्म के बटन पे क्लिक करते ही जिस भी पेमेंट मोड को आपने सेलेक्ट किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जैसे कि कार्ड को सेलेक्ट किया तो कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV नंबर, कैप्चा कोड, उसके बाद में आपको यहाँ पे पे के बटन पे क्लिक करना है। पे के बटन पे क्लिक करते ही आपके जो बैंक के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आता है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। मेक पेमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर OTP एंटर करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं आपकी जो पेमेंट है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद में आपको यहाँ पर 10 सेकंड के लिए वेट करना है या फिर आपको क्लिक हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाता है जहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसकी जो रिसिप्ट है उसको प्रिंट करने के लिए इसको आप यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद में इसका जो होम पेज है वहाँ पर आपको चले जाना है। एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आपका एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करनी है, कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है जहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना रहेगा। बुक्स लोड करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आता है जहाँ पर आपको प्रोसीड टू बुक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाता है, जो भी डेट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 29 को अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो 29 को आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके सामने जो टाइम का शेड्यूल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी टाइम है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम को जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में नीचे आपको बुक स्लॉट का एक ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर आपको क्लिक करना है। बुक स्लॉट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके साथ इस एप्लीकेशन के साथ में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आता है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। कन्फर्म टू स्लॉट बुक के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपका अपॉइंटमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, बुक हो चुका है। इसके बाद में आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी जो रिसिप्ट है इसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं। अगर आप इसको PDF के तौर पर सेव करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपकी रेफरेंस स्लिप है, इसके बाद में आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट, इसके साथ में आपने जो 300 रुपये की फ़ीस दी है वो यहाँ पर आपको लेके जाने रहेगी। अपॉइंटमेंट की जो रसीद है वो आपको यहाँ पर लेके जाने रहेगी। आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो आपको यहाँ पर लेके जाना रहेगा। इसी के साथ में आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपको 3 से 4 फोटो है वो आपको यहाँ पर साथ में लेके जाने रहेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने हैं। उसके बाद में आपको जो भी स्लॉट आपने बुक किया है, जो भी टाइम आपने बुक किया है उसी टाइम पर आपको RTO के अंदर विजिट करना रहेगा। वहाँ पर आपको इन सभी डॉक्यूमेंट की एक एक कॉपी है उसको सबमिट करना रहेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर दिखाने रहेंगे। इसके बाद में आपकी जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर वेरीफाई किया जाता है। आगे का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर RTO की तरफ से कंप्लीट होने वाला है। इस तरह से आप यहाँ पर आपका जो हजार्डस मटेरियल कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस है उसको यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर स्लॉट बुक कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, पूरा प्रोसेस आप यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको RTO में विजिट करना रहेगा और आपका जो हजार्डस मटेरियल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। हजार्डस मटेरियल कैटेगरी के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस को एड कराने से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।